राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम आधा पूरा। चुन्नु मुन्नु थे दो भाई, उनकी माँ रसगुल्ला लाई। चुन्नु मुन्नु थे दो भाई, उनकी माँ रसगुल्ला लाई। चुन्नु बोला मैं खाऊंगा, चुन्नु बोला मैं खाऊंगा, मुन्नु बोला मैं खाऊंगा। अरे अरे अरे, चुन्नू मुन्नू तो बहुत परेशान हैं। हाँ दीदी। भला बताओ तो क्यों परेशान हैं? रसगुल्ला खाने के लिए। अरे भाई, तो फिर खाते क्यों नहीं? क्योंकि अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है। देखो, रसगुल्ला तो है एक, और चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, तो दोनों पूरा पूरा रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं? हाँ दीदी, ये बात तो है। तो अब वो क्या करें, जरा बताओ तो। नहीं समझ में आई? चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ दीदी, कहानी कहानी। कहानी सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि चुन्नू मुन्नू क्या करें। ठीक है? ठीक है। तो सुनो, गोपाल और मोहन दो दोस्त थे। कौन थे? दोस्त। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और एक ही साथ खाना भी खाते। अच्छा। एक दिन की बात है, मोहन की माँ बीमार हो गई। मोहन ने माँ से कहा कि आज खाना मत बनाओ, मैं एक सेब लेकर स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों, मोहन एक सेब लेकर स्कूल चला गया। क्या लेकर गया स्कूल? एक सेब। शाबाश। और मोहन का दोस्त गोपाल उस दिन एक रोटी लेकर आया। अच्छा। मोहन और गोपाल साथ में ही खाते थे ना? हाँ, वो साथ में खेलते भी थे और खाते भी साथ में थे। शाबाश। जब दोनों खाना खाने बैठे तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बोलो तो, उन दोनों ने क्या क्या निकाला? मोहन ने एक सेब निकाला। हाँ। और गोपाल ने एक रोटी निकाली। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि उन दोनों ने क्या किया? क्या किया दीदी? गोपाल ने एक रोटी निकाली और एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया। क्या कर लिया दीदी? उसने एक पूरी रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए। अच्छा, रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए। ओहो, तो इस तरह उसने एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया। बिल्कुल सही। तो फिर क्या हुआ दीदी? तो अब हुआ ये कि आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली। अच्छा, आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली। शाबाश। अब दोनों दोस्तों ने आधी आधी रोटी खाई। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। एक ही रोटी दोनों ने खा ली। फिर क्या हुआ दीदी?
फिर मोहन ने अपना एक सेब निकाला और सेब को भी आधा आधा कर लिया और गोपाल ने आधा सेब खाया और मोहन ने आधा सेब खाया। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। अब समझे तुम मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? हाँ दीदी, हम समझ गए। क्या समझ गए? यही कि चुन्नू मुन्नू ने भी एक रसगुल्ले का क्या किया होगा? बोलो तो, क्या किया? एक पूरे रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया और आधा चुन्नू ने खाया और आधा मुन्नू ने खाया। शाबाश। आ गई ना बात समझ में? हाँ दीदी। हाँ दीदी। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, उनकी माँ रसगुल्ला लाई। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, उनकी माँ रसगुल्ला लाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। तब माँ ने एक बात बताई, तब माँ ने एक बात बताई, दोनों खा सकते हो भाई। आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा। जब भी एक चीज तुम लाना, आधा आधा करके खाना। जब भी एक चीज तुम लाना, आधा आधा करके खाना। जब भी एक चीज तुम लाना, आधा आधा करके खाना। गुड़िया ले लो, गुब्बारा ले लो, रंग बिरंगे चश्मे ले लो, गेंद और बल्ला ले लो। खिलौने वाला रंग बिरंगे चश्मे ले लो, गेंद और बल्ला ले लो। खिलौने वाला गुड़िया ले लो। दीदी हमें खिलौने दिला दो ना। अच्छा दिलाती हूँ खिलौने। खिलौने वाले, ओ खिलौने वाले। जी बहन जी, इधर आओ। जी बहन जी, क्या दूँ? खिलौने वाले, इन बच्चों को खिलौने दे दो। मैं चश्मा लूंगा, मैं गेंद लूंगी, मैं बल्ला भी लूंगा, और वो देख गुड़िया कितनी सुंदर है, मैं तो गुड़िया भी लूंगी। हाँ मैं भी। बच्चों तुम्हें खिलौना तो मिलेगा, पर एक एक ही खिलौना मिलेगा बस। अच्छा तो मैं गुब्बारा लूंगा। ठीक। नहीं मैं गुब्बारा लूंगी। मैं भी गुब्बारा ही लूंगा। मैं भी गुब्बारा लूंगी। अरे गुब्बारे चाहिए हमें। हाँ, गुब्बारे चाहिए। बच्चों मेरे पास तो एक ही गुब्बारा है, तुम दोनों को कैसे दूं? कोई बात नहीं भैया, हम गुब्बारे का आधा आधा कर लेंगे। गुब्बारे का आधा आधा कैसे करोगे भैया? हम गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे, हमारी दीदी ने बताया है हमें। नहीं बेटे, गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते। हाँ बच्चों, गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते। क्यों? चुन्नू मुन्नू ने भी तो रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया था। वैसे ही हम भी गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे। ये कोई रसगुल्ला थोड़े ही है, ये आधा आधा करने से फट जाएगा। नहीं हम तो हम कर लेंगे। हाँ, हाँ, आधा करना अरे, है। अरे बेटा, भला गुब्बारा आधा आधा कैसे होगा?
नहीं, हम तो गुब्बारा लेंगे, हमें अच्छा, चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुब्बारा लो और खुद ही आधा आधा करके देख लो। देखो ये आधा होता है कि नहीं, देखो गुब्बारे वाले। जी बहन जी। जरा ये गुब्बारा दे दो इन बच्चों को। लीजिए बहन जी। लाओ भैया। लो। आ, 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 आ। देखा, फट गया ना गुब्बारा। मैंने कहा था ना, गुब्बारा आधा करोगे तो फट जाएगा। तो क्या अब हम इससे नहीं खेल सकेंगे? बच्चों, सब चीजें आधी नहीं की जाती। जैसे तुमने अभी गुब्बारा आधा किया तो वो फट गया और बेकार हो गया, अब तुम इससे नहीं खेल सकते। तो दीदी, क्या ये गेंद भी नहीं आधी हो सकती? आधी तो कर सकते हैं, पर आधी करने से ये बेकार हो जाएगी। तब तो ये गुड़िया, पतंग, चश्मा कुछ भी आधा आधा नहीं हो सकता? नहीं बेटे, इन्हें भी आधा नहीं कर सकते, ये भी आधा करने से बेकार हो जाएंगी। अच्छा, तब तो मैं एक गेंद लूंगी और मैं एक बल्ला, दोनों मिलकर खेलेंगे। हाँ, दोनों मिलकर खेलेंगे। अब गेंद और बल्ला आधा आधा तो नहीं करोगे ना? नहीं दीदी, ये कोई सेब और रोटी थोड़ी ही ना है। खिलौने वाले अजी। इनको दे दो जो मांग रहे हैं। जी बहन जी। बोलो बच्चों, क्या दूं? मैं तो लाल बल्ला। मुझे वो लाल नहीं, हरी वाली गेंद चाहिए। अच्छा, हरी वाली। ये लो, और ये तुम्हारा बल्ला और ये तुम्हारी क्या, गेंद। ये है एक छोटी सी बात, तुम समझ लो इसको आज। ये है एक छोटी सी बात, तुम समझ लो इसको आज। पास अगर हो सेब एक, रसगुल्ला और रोटी एक। पास अगर हो सेब एक, रसगुल्ला और रोटी एक। दो में अगर बांटना हो तो आधा आधा खाना हो तो। दो में अगर बांटना हो तो आधा आधा खाना हो तो। जरूरी है ना करना हर चीज को आधा, काधी गेंद ना बल्ला आधा। ना करना हर चीज को आधा, आधी गेंद ना बल्ला आधा। ये है एक छोटी सी बात, हाँ समझ ली हमने आज। ये है एक छोटी सी बात, हाँ समझ ली हमने आज। 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 आधा पूरा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन, अनुसंधान एवं विषय संयोजन डॉक्टर स्वर्णा गुप्ता, आलेख वीनू भल्ला, कलाकार वीना होरा, पायल और प्रिया, संगीतकार दिनेश प्रभाकर, ध्वनिंकन दीपक पांडे एवं भूषण गजभिये, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।